हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सैमसंग मोबाइल की कीबोर्ड में जो दोस्तों आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। आज उन सभी प्रॉब्लम के मैं आपको सलूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आपने बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल में जब कुछ टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर अपने मोबाइल के जब कीबोर्ड को आप इस तरह से ओपन करते हैं तो ये कीबोर्ड दोस्तों आपका बहुत स्लो ओपन होता है। या दोस्तों होता क्या है कि कई बार आपके जो ये कीबोर्ड के टूल बार होते हैं ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, हाइड हो जाते हैं। या कई बार दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपके जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत स्लो यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपके जो टाइप कुछ और करते हो होता टाइप कुछ और है, इस तरह की दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में भी इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आपके मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है उसमें अगर दोस्तों ये टूल बार मतलब कि देखने को नहीं मिल रही है तो आपने दोस्तों कौन सी सेटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहां पर दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जनरल मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपने कीबोर्ड को दोस्तों यहां पर आपने ओपन कर लेना है सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी कीबोर्ड टूल बार। अगर दोस्तों आपकी ये ऑफ रहती है तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं आपके मोबाइल के जो यहां पर कीबोर्ड होता है उसमें दोस्तों यहां पर आपको इस तरह से टूल देखने को नहीं मिलते, ये हाइड हो जाते हैं। कई बार दोस्तों ये डिसेबल भी हो जाते हैं। तो आपने दोस्तों सिंपली सेटिंग्स में जाना है, जनरल मैनेजमेंट में जाना और यहां पर सैमसंग कीबोर्ड पर आपने सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना और यहां पर दोस्तों आपने अगर अपने कीबोर्ड को यहां पर टूल बार है जो इसको दोस्तों आपने ऑन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ज्यादातर आती है, यहां पर दोस्तों जब आप इस तरह से क्लिक करते हो टाइपिंग के लिए तो ये बहुत देर बाद ओपन होता है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे, इसके लिए दोस्तों आपने दोबारा से अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, जनरल मैनेजमेंट में जाना है और यहां पर दोस्तों सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स को आपने दोबारा से ओपन करना है और सबसे लास्ट में यहां पर जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी अबाउट सैमसंग कीबोर्ड, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपने चेक करना है कि अगर आपने अपने सैमसंग कीबोर्ड को यहां पर अपडेट नहीं किया हुआ है तो यहां पर दोस्तों आपने लेटेस्ट वर्जन में दोस्तों इसको अपडेट करना है। बहुत ही दोस्तों आपका जो ये कीबोर्ड है बहुत स्मूथ चलेगा और फास्ट भी चलने लगेगा अगर आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को दोस्तों यहां पर अपडेट करते हो, तो इस चीज को दोस्तों आपने जरूर चेक करना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, यहां पर दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है बहुत लैग होता है, मतलब कि जब टाइपिंग आप कुछ और करते हो टाइप कुछ और होता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप्स की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों योर ऐप्स की आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर जाना और यहां पर दोस्तों अपने सिस्टम के सभी एप्लीकेशन को जो मोबाइल के सभी सिस्टम के एप्लीकेशन है उनको दोस्तों यहां पर आपने ओके पर क्लिक कर यहां पर शो करने के लिए कह देना है। तो ऊपर दोस्तों आपने सर्च करना है यहां पर सैमसंग कीबोर्ड, जब आप सर्च करोगे तो यहां पर आपके सामने दोस्तों सैमसंग कीबोर्ड की एक एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। तो यहां पर दोस्तों आपने इसकी स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों यहां पर क्लियर कैचे और इसका क्लियर डाटा दोनों दोस्तों आपने कर देना है। इसके बाद जब दोस्तों आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को दोबारा से चलाओगे तो यहां पर दोस्तों आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा जितनी भी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप अगर क्लियर डाटा और क्लियर कैचे कर देते हो तो आपका दोस्तों कीबोर्ड अच्छे से काम करेगा। तो आपने दोस्तों इन सभी सेटिंग को अप्लाई कर देखना है। आई होप दोस्तों आपकी सभी प्रॉब्लम इस तरह से करने से दोस्तों ठीक हो जाएंगी। तो आई होप वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि दोस्तों सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे।